नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगला जो टॉपिक है पॉलिटी पीटी 365 2022 के प्रीलिम्स के लिए, वो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दोनों टॉपिक्स जो हैं वो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे है। स्वाभाविक बात है कि जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन पे करंट इश्यूज आ रहे हैं, तो इसके जो लक्ष्मीकांत में जो पार्ट टू है, पार्ट टू में ये सेंटर स्टेट रिलेशंस बहुत कायदे से दिया गया है, इसको पढ़ लेना ज़रूरी है। इसमें तीन चीज़ें हैं, एक लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये ज़रूरी है पढ़ना। इसके अलावा जो चीज़ पढ़ना ज़रूरी है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी ज़रूरी है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और आखिरी है फाइनेंशियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये तीन चीज़ें जो है उस चैप्टर में दी हुई हैं, पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम लोग अपलोड कर देंगे। चलो अब ये न्यूज़ में क्यों है इसको देख लेते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। देखिए, रिवर्स जो होती है हमारे देश की, या इनफैक्ट पूरे कहीं के भी आप रिवर्स को कंसिडर करें, उसकी एक ओरिजिन होती है और एक डिपोजिशन होता है। एक पॉइंट से रिवर का ओरिजिन होता है और दूसरे कहीं दूर पे उसका डिपोजिशन होता है। अब ये ओरिजिन और डिपोजिशन के बीच में जो चीज़ आती है वो है बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारा लैंड मास जिसके ऊपर से नदी बहती है, उसको कहते हैं रिवर बेड। अब ये रिवर बेड जो है ये बहुत सारे स्टेट्स को क्रॉस करती हुई, काटती हुई आगे बढ़ती है। तो उसका मतलब यह है कि एक ही नदी को बहुत सारे लोग जो हैं इस्तेमाल करते हैं, एक ही नदी के पानी को बहुत सारे राज्य जो हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। अब मान लेते हैं कि नदी की जो ओरिजिन है वहाँ पे जो स्टेट है सबसे ज़्यादा पानी किसके पास रहेगा? उसी के पास रहेगा जहाँ से नदी शुरू होती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पानी, फ्रेश पानी इस्तेमाल कर सकता है। और वो गंदा भी अगर करेगा तो गंदगी से भरा हुआ पानी जो है एकदम लोअर बॉटम में जो स्टेट है उसको सबसे गंदा पानी मिलेगा। और अगर बीच के बहुत सारे स्टेट्स ने जो है उसको पानी को रोक लिया तो नीचे फ्लो कम होगी, तो जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स हैं उनको और कम मिलेगा पानी। और ये पूरा मांजरा, पूरा डिस्प्यूट इन्हीं सब ग्राउंड्स पे होता है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द रिवर वाटर रिसोर्सेज अमंग द स्टेट्स, व्हेन पर्टिकुलरली जब एक रिवर बहुत सारे स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, बहुत सारे स्टेट्स के ऊपर से गुजरती है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले समझते हैं कि रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नोटिफाई करता है द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एंड कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड अंडर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था उस वक्त आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था 2014 में, उसी के बेसिस पे गोदावरी और कृष्णा ये दो नदियां हैं इनकी मैनेजमेंट जरूरी है। क्यों? क्योंकि गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र से निकलती हुई आती है और सीधा आंध्र प्रदेश को काटती हुई बे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट होती है। कृष्णा नदी भी उसी तरीके से महाराष्ट्र से निकलकर आती है और फिर महाराष्ट्र को क्रॉस करके कर्नाटका वाले क्षेत्र में आती है, जो कि प्रिसाइसली तेलंगाना वाला एरिया है। कर्नाटका वाले क्षेत्र को क्रॉस करते हुए ये आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यानी कि बहुत सारा एरिया जो है ये स्टेट्स जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट गोदावरी जो है ये कुछ पोर्शन ओडिशा का भी लेती है, कुछ पोर्शन महाराष्ट्र का भी लेती है, कुछ पोर्शन मध्य प्रदेश का भी लेती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो गोदावरी, कृष्णा ये ऐसे नदियां हैं जो बहुत सारे राज्यों में बटी हुई है। स्वाभाविक रूप से पानी का बंटन भी उसी तरीके से होना पड़ेगा और कोई कोई स्टेट जो है वो उससे खुश होंगे, कोई कोई स्टेट जो है उससे खुश नहीं होंगे। जैसे हमेशा लड़ाई में पहाड़ के ऊपर, चोटी के ऊपर जो बैठा हुआ है उसको एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो उसके पास समय है, वो ऊपर से देख सकता है कि नीचे मूवमेंट क्या हो रही है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई राज्य ज्योग्राफिकली लोकेशन वाइज नदी के ऊपरी हिस्से में बसा हुआ है तो उसके पास एक नेचुरल एडवांटेज है। उसी के लिए यहां पे बहसबाजी होगी हर एक स्टेट के बीच में। तो मैप जो है यहां पे एक बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है, हम मैप में फोकस करेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि ये मैनेजमेंट बोर्ड जो बनाया गया है गोदावरी और कृष्णा का, इसके पीछे और क्या क्या चीजें हैं उसको समझ लेते हैं। पहले देखिए, जैसे 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें एंट्री नंबर 17 ऑफ द स्टेट लिस्ट में ये कहा गया है कि जो पानी है, वाटर जो है, वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। और उसी के साथ साथ यूनियन लिस्ट में भी ये कहा गया है कि एंट्री नंबर 56 में पावर दिया गया है यूनियन के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, टू रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना, पानी से रिलेटेड चीज़ें अगर हैं, जबकि पानी में इरिगेशन करना है, स्टोर करना है, सप्लाई करना है, कनाल बनाना है, ये सब चीज़ें स्टेट सब्जेक्ट में है, लेकिन जैसे ही पानी को इंटर स्टेट रेगुलेट करना है, इंटर स्टेट डेवलपमेंट चाहिए, रिवर वैली इंटर स्टेट, ऐसे सिचुएशन में जब दो से अधिक स्टेट इन्वॉल्व हैं तब वो एंट्री नंबर 56 यूनियन लिस्ट का पार्ट बन जाता है। अब एक और आर्टिकल आपको याद करना है, वो है आर्टिकल 262। इसके अनुसार अगर कोई भी स्टेट वाइज पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर झगड़ा होता है
तो कंप्लेंट और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसको एडजुडिकेट किया जाएगा बाय इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट मैकेनिज्म। इसके तहत आर्टिकल 262 के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक ऐसी एडजुडिकेटिंग बॉडी बना सकता है जो कि ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे। इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन्स भी हैं, और कुछ इंटरनेशनल रूल्स भी हैं विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर डिस्प्यूट्स। जैसे यहाँ पे लिखा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेरियंस राइट्स। रिपेरियन मतलब वो स्टेट जो नदी के तट पे हैं। इसके अलावा थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और हार्मन डॉक्ट्रिन, ये दोनों से एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट थियोरी ऑफ प्रायर अप्रोप्रिएशन, नेक्स्ट थियोरी ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद हैं थियोरी ऑफ इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर्स, और फिर कैंपेन या शाम ये कैंपोइन रूल्स, और फिर बर्लिन रूल्स 2004। ये सारे के सारे जो हैं एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इसको हम लोग डिटेल्स में करेंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट ने अभी तक दो लॉ पास किए हैं, जिसका एक नाम है रिवर बोर्ड एक्ट 1956, जिसके बेसिस पे रिवर बोर्ड्स बनाए गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स, जो रेगुलेट करते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को, इंटर स्टेट वाटर की जो समस्या है शेयरिंग कैसे होगी इसको रेगुलेट करते हैं ये बोर्ड्स। इसके अलावा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया है, जिसके डिसीजन जो है वो फाइनल और बाइंडिंग होगी टू द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। ये जो ट्रिब्यूनल बनाया गया, इसके जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स हैं ऑफ द वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जरा सोचो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो यहाँ पे एक एमसीक्यू ये वाले एरिया में बन सकता है, यहाँ पे एक अच्छा खासा एमसीक्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बन सकता है। ठीक है, अब यही है आपका पूरा टॉपिक। इसके अंदर एक और चीज़ दी गई है कि रिसेंटली इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में एक अमेंडमेंट लाया गया है, उसके तहत ये कहा गया है कि आज तक अलग अलग स्टेट के पास अलग अलग इंटर स्टेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म ट्रिब्यूनल था, विच वॉज ए ट्रबल क्रिएटिंग कंफ्यूजिंग। अभी जो है एक सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल होगी फॉर द डिस्प्यूट, और वो नेशनल लेवल पे होगी, तो यही एक मेजर चेंज है। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलिए हम लोग इस रूल्स को पढ़ लेते हैं जो कि इंटरनेशनल रूल्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेरियन स्टेट्स हैं उसके अनुसार It emphasizes on the recognition of equal rights to the use of water by all the owners of land along with the river, as long as there is no resulting interference with the rights of other riparian owners. आप तब तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आप दूसरे स्टेट्स की नुकसान नहीं पहुंचा रहे, दूसरे स्टेट्स को यूटिलाइज करने से रोक नहीं रहे हैं। दूसरी चीज, एब्सोल्यूट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी या कि हार्मन डॉक्ट्रिन जो है उसके अनुसार वन रिपेरियन स्टेट, और रिपेरियन स्टेट कैन डू what it pleases without regard to its effect on the other co-riparian state. ये जो theory है ये to an extent ये खतरनाक है। ये दूसरे को नुकसान हो फायदा हो आपके पास ये absolute power है। So under this doctrine a riparian state can do what it pleases with its river, with its water, without regard to its effect on the other co-riparian states, and this will create problem. Next, theory of prior appropriation. It states that the first user who puts the water to the beneficial use establishes a prior right, and the subsequent user can only appropriate what is left by the first user. अब देखिए ये तो वही बात होगी कि अगर आपका geographical location ऊपर की तरफ है और पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है, तो जो initial origin of the river के वहाँ पे जो है वो first user होगा, उसके पास absolute जो है benefit कर सकता है, एकदम fresh water उसको मिलेगा। तो इसमें थ्योरी यही है कि आप कम से कम ऐसे करें कि दूसरे का नुकसान ना हो, इस तरीके से उसको इस्तेमाल करें और उसको नीचे बहने दे, ताकि नीचे जो अदर रिपेरियन स्टेट्स हैं उनको apparently quality water मिले। Next, theory of community of interest. It argues that the river passing through several states is one unit. The river hai wo ek hi unit hai and should be treated as such for securing maximum utilization of its waters. Equitable apportionment ka matlab ye hota hai ki it states that interstate water disputes should be settled on the basis of equality of rights. Determination of equal rights encompasses socio-economic need of that particular state and the beneficial use of the water, etc. Theek hai? इसके अलावा इसी डॉक्ट्रिन का इनफैक्ट यूज भी किया गया था ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल द्वारा या नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल द्वारा, कि भाई जिस स्टेट को जितना पानी चाहिए, जिस स्टेट की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जैसी है, उस बेसिस पे उसको पानी दिया जाएगा। इसके अलावा जो इक्विटेबल यूटिलाइजेशन, उसके अनुसार ईच बेसिन स्टेट शुड बी एंटाइटल्ड टू रीजनेबल एंड इक्विटेबल शेयर। ये हेलेंस्की रूल्स 1966 के ऊपर आधारित है। ये पर्टिकुलर चीजें जो हैं आपको याद करनी पड़ेंगी कि हेलेंस्की रूल्स के अनुसार इक्विटेबल यूटिलाइजेशन वाला जो थ्योरी है वो आया है, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है यूपीएससी। इसके अलावा कंपेनियन रूल,
इसके अनुसार दे आउटलाइन द नीड टू इंक्लूड द वाटर ऑफ एन एक्विफर, ठीक है, मतलब जो पानी जो अंडरग्राउंड से जो आती है, अंडरग्राउंड फॉसिल जो वाटर्स हैं वहां से जो निकलती है उसको भी डिटरमाइन किया जाएगा बेस्ड ऑन द इक्विटेबल शेयर। और बर्लिन रूल्स के अनुसार एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, दे प्रोवाइड द बेसिस बेसिन स्टेट्स, दे प्रोवाइड दैट बेसिन स्टेट शुड मैनेज वाटर ऑफ एन इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन हैविंग ड्यू रिगार्ड टू द ऑब्लिगेशन नॉट टू कॉज सिग्निफिकेंट हार्म टू द अदर बेसिन स्टेट्स। ये जो चीज है ये बेसिकली इंटर कंट्री वाटर डिस्प्यूट्स अगर होता है तो, से फॉर एग्जाम्पल गंगा जो है वो बांग्लादेश में भी जाती है, इंडस जो है वो पाकिस्तान में भी जाता है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जब दो देशों की बात हो रही है ना कि स्टेट्स की, जब देशों की बात हो रही है तो भी वहाँ पे वो इक्विटेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में रख करके बेसिन स्टेट्स को, चाहे वो दो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन के ही क्यों ना हो, दो अलग अलग देश के ही क्यों ना हो, सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करना अनिवार्य है। तो आई बिलीव आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे जो ये मैप देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ये साफ दिखाई देगा कि एक एक नदी कितने अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती है। मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा कि आप इन नदियों की जो कौन कौन से स्टेट से गुजर कर जाती हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको ज्योग्राफी के ड्रेनेज सिस्टम में भी बड़ा काम आने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।